रोलिंग गाइस रोलिंग 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 सर, सबसे पहले तो जिद्दी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म होने वाली है ये? जिद्दी जो फिल्म है ना, ये एक आशिक जिद्दी, मतलब आशिक है और वो बहुत बड़ा जिद्दी है, और उसकी हीरोइन जो है वो एक विलन की बेटी है, और प्यार करता है और जिद है कि उसको हीरोइन चाहिए, तो उसमें और एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, रोमांस है, और सब कुछ है इसमें, फुल कमर्शियल फिल्म है। जब पवन सिंह के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था, और ये फिल्म की स्क्रिप्ट कैसे आई आपके पास, कैसे जहन में आया कि ऐसे कोई? देखो इसमें क्या है ना, एक पवन सिंह है और विराज भट्ट भी है, और पवन सिंह विराज भट्ट ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक बार पहले आ चुका है, लेकिन मैंने इसको एक अलग ढंग से पेश करने की कोशिश की है। और विराज भट्ट जो है वो हल्का नेगेटिव शेड है, और इसका जो है अपना पवन सिंह का ये टोटल मतलब कि रोमांटिक है और एक्शन है इसमें, मतलब मिला जुला के कमर्शियल टाइप की पिक्चर है ये। सर बात करें ससुरा बड़ा पैसे वाले के बाद, बहुत दिन के बाद बाली की फिल्म आ रही है, हाँ जी, एज ए डायरेक्टर, हाँ जी, तो कहते हैं कि यूं ही जरा हम खामोश क्या हुए, लोगों ने कैसे कैसे फसाने बना दिए, क्या बात, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बीच में मेरी अभी एक पिक्चर आई थी गंगा पुत्र, जिसमें पवन सिंह ही हीरो थे, और बीच में क्या हो गया कि मेरा दुर्घटना से एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद फिर काफ़ी फिल्में स्लो हो गई, लेकिन अभी काफ़ी स्वस्थ हूँ मैं, और अभी कंटिन्यू मेरी फिल्में अभी आएंगी और मैं कर रहा हूँ। और ससुरा बड़ा पैसे वाले के बाद मैंने काफ़ी फिल्में की, जैसे दरोगा बाबू, धरती पुत्र, देहाती बाबू, और चाचा भतीजा, जिसमें मैंने नायक का रोल भी किया है, और काफ़ी फिल्में करने के बाद, एक्सीडेंट के बाद भी मैंने काफ़ी 3-4 फिल्में की हैं। अभी ये फिल्म मैं पूरा फोर्स के साथ, जुनून के साथ, जिद है कि बहुत अच्छी फिल्म बनानी है, और टाइटल जिद्दी है। जी, जिद्दी की बात करें तो गाने वाने किस प्रकार के हैं और क्या? गाने इसमें टोटल कमर्शियल हैं, और सैड सॉन्ग भी है, एक कवाली है गरीब नवाज की, और बाकी माता का आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद लेके हम लोग फिल्म बनाने जा रहे हैं जिद्दी। अच्छा, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे फिल्म कब तक फ्लोर पर आने वाली है, कब तक ऑडियंस? देखो ये 3 दिसंबर को पिक्चर की शूटिंग स्टार्ट है, और इसमें हम लोगों ने फॉरेनर लड़कियों को भी यूज़ किया कर रहे हैं, इसमें पवन जी के साथ गाना है, और ये मार्च होली के बाद ये पिक्चर आएगी। सर लोकेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ पे? ये बॉम्बे में करेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग गुजरात में राजपिपला एक लोकेशन है वहाँ। थैंक यू वेरी मच। आज जितनी फिल्म का मुहूर्त हो रहा है जी, तो कहते हैं मौका भी है, दस्तूर भी है, बड़ी खुशी है। ये पवन जी के साथ मेरी 4थी फिल्म होगी, और मैं बहुत दिन से ये इस चीज़ का मेरे माइंड में मैं वेट कर रहा था इस चीज़ का कि बाली जी के साथ मैं काम कर सकूं। बाली जी एक बहुत उम्दे डायरेक्टर रहे हैं, डांस डायरेक्टर रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं, तो मेरी ये सोच शुरू से, मैं ससुरा बड़ा पैसे वाला से ही उनको जानता हूँ, और उस समय से मैं वेट कर रहा था कि मैं इनके साथ सौभाग्य प्राप्त हो, मुझे आज वो मैं उनके साथ एक म्यूज़िक कर रहा हूँ। गानों की बात करें तो कितने गाने हैं और किसके? टोटल सिचुएशन में 9 गाने हैं, जिसमें कि मैं जो पवन जी का एक खास अपना एक मूड होता है, वो चाहते हैं कि मार्केट जो थोड़ा सा हट के कुछ हो, कुछ नया हो, रिदम पैटर्न कुछ अलग हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें कि ज़रूर कुछ उनके लिए कुछ अच्छा बनाऊंगा। और हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, विराज जी भी हैं, पवन जी भी हैं, तो पवन जी के अपना जो वोकल होता है तो वो खुद करते हैं, चार या 5 गाने उनके अपने होंगे, तो बाकी
9 गाने हैं टोटल, 2 आइटम सॉन्ग हैं और बाकी सब रोमांटिक छेड़खानी जो वहाँ कमर्शियल होता है उस टाइप से। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपको गाने के बारे में बताया गया था, क्या कुछ मूड, क्या कुछ सिचुएशन बताई गई थी गाने की? गाने की सिचुएशन में मुझे सबसे पहले मैं एक टारगेट में रखता हूँ कि जैसे जो सिचुएशन मुझे मिला वो नोटिस करने के बाद मैं पवन जी का मूड जरूर देखना होता है, वो उनको क्या पसंद है, क्योंकि एक पर्दे पे जो हीरो दिखता है तो उनके अनुसार वो गाने होने चाहिए, तो फिर समझ में आता है। तो मैं उनको ये कोशिश किया हूँ कि वो उनके मिजाज का कुछ बना सकूँ, और थैंक यू सर, सारे गाने रोमांटिक अच्छे, अब कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं आगे। बेस्ट, थैंक यू सो मच। पवन जी क्या कहना चाहेंगे, आज मौका भी है, दस्तूर भी है, फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? हमारी फिल्म की मुहूर्त हो रही है तो एक कलाकार को इससे बड़ा खुशी और क्या मिल सकता है। और फिल्म के डायरेक्टर हैं हमारे बाली जी, फिल्म का नाम है जिद्दी, टाइटल बहुत पसंद है मुझे। बहुत पहले हम एक फिल्म हिट दे चुके हैं रमाकांत जी के साथ, उसका नाम था जिद्दी आसिक, और ये जिद्दी बन रहा है तो मुझे पूरा भरोसा है कि एक अच्छी फिल्म बनेगी और हमारे दर्शक को पसंद आएगी। अच्छा, जैसे पोस्टर में आपका लुक जो है काफ़ी एंग्री दिखाया गया है, तो किरदार किस तरह का होगा फिल्म में? आज मुहूर्त हो रहा है, फोटोशूट हुआ नहीं है, तो जो फोटो मिल गया वो डिजाइन बन गया, लेकिन मैंने बाली जी से बात किया तो बोले कि पवन जी काफ़ी अलग इसमें भाव है आपका। मैंने पूछा उनसे कि फिल्म में हमको मूछ रखना है कि नहीं रखना है, तो बोले कि नहीं 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 रखना है, आपको क्लीन रहना है, क्योंकि टाइटल है जिद्दी, और उन्होंने बताया कि काफ़ी कॉमेडी है इस फिल्म में, तो अपने दर्शक को हमको मौका मिलेगा कि हम वैसा एक्टिंग करें, काम करें कि हमारे दर्शक हंसें, खुश हों, और इसके बाद तो एक्शन है, म्यूज़िक है, आदमी दिल से काम करेगा, और पूरा भरोसा है कि हमारे दर्शक को पसंद आएगी। पवन जी, संगीत की बात करें तो संगीत के में महारत हासिल है, या यूँ कहें कि जनक है, जनक भी जाना जाता है आपको, तो कैसा संगीत होगा और क्या कुछ अलग देखने मिलेगा दर्शकों को इस फिल्म से? भैया, मैं जब से गायकी लाइन में आया, हमारे श्रोता इतना हमको प्यार दिए कि गाना गाते गाते पवन सिंह हीरो बन गए, तो मतलब मैं अपने श्रोता को ही अपना मालिक मानता हूँ, अपना जज मानता हूँ, अपना भगवान मानता हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। तो छोटे बाबा का इस फिल्म में संगीत है, जो हमारे साथ एक हिट फिल्म में म्यूजिक दे चुके हैं, जिस फिल्म का नाम है सपेरा, बड़ा एक अच्छा गाना बनाए थे, उसी टाइम से हम इनके मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब दीवाने हो गए। उस गाने का बोल ये था, जन्मो जन्म के नाता, जन्मो जन्म के नाता, जुड़ल विधाता नहिया लगा के, धन भैनी तोहरा के पाके। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिद्दी फिल्म में हम और छोटे बाबा बैठेंगे और एक अच्छा म्यूजिक बनाएंगे जो हमारे दर्शक को खूब झुमाए और खूब पसंद आए। अच्छा, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, आप गायकी भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, तो दोनों में से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या लगता है आपको? देखिए, किसी भी इंसान के जीवन में जो पहली बार मिलता है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान भूल नहीं पाता है। तो मेरे लिए गायकी बहुत पहले से नंबर वन था, है और रहेगा। मेरे लिए एक्टिंग 2 नंबर पे है। और ज़िंदगी में देखिए, कोई भी चाहता है कि हम आगे बढ़ें। आज हमारा पब्लिक ही मुझे गायक बनाया, मेरा पब्लिक ही मुझे हीरो बनाया, तो पहले गायकी मैंने सीखा, तो मेरे लिए पहले गायकी। पवन जी, एक आखिरी सवाल कि कहाँ कहाँ पे शूटिंग होने वाली है, कुछ तैयारी हुई है इसकी? इस फिल्म का जहाँ तक मैंने सुना कि कुछ बनारस में की जाएगी और फिर गुजरात में करेंगे।
पवन जी आखिरी बात, चलते चलते एक वो आपका गाना हो जाए, क्या कहते हैं वो लॉलीपॉप लगे दो। नहीं नहीं एकदम जरूर, दीपावली आ रही है तो आप लोगों के चैनल के जरिए जो भी हमको देख रहे हैं, माँ चाचा चाची बहन चाचा भैया बाबा आजी सबके पैर छू के प्रणाम करत नहीं, आप लोग हमके आशीर्वाद दी और दिवाली के बहुत बहुत शुभकामना। और हमारे मीडिया भाई लोग एक फरमाइश किए हैं गाना का, आप लोग पसंद किए हैं गाने को तो मैं सुना रहा हूँ। हर तू लगावे लू जब लिपस्टिक आही ले लाया डिस्टिक, तू लगावे लू जब लिपस्टिक आही ले लाया डिस्टिक, जिला टॉप लगे लू कमरिया 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 करेला पलप लॉलीपॉप लगे लू। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। ओके रेडी। नमस्ते, म्यूजिक इंडिया चैनल के जे भी दर्शक देख रहल बा, हम पवन सिंह के तरफ से दीपावली के बहुत बहुत शुभकामना। मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे, आज मुहूर्त हो रहा है, कहते हैं मौका भी है दस्तूर भी है, कितनी खुशी हो रही है आपको पवन जी को लेके फिल्म बना रहे हैं? खुशी तो बहुत है हमें कि पवन भाई का भरपूर सहयोग है और विराज जी का भी सहयोग है हमें। कितनी खुशी हो रही है आपको पवन जी को लेके फिल्म बना रहे हैं? खुशी तो बहुत है हमें कि पवन भाई का भरपूर सहयोग है और विराज जी का भी सहयोग है हमें, और बाली जी हमारे डायरेक्टर हैं जो इस फिल्म को सफल फिल्म बनाने में हमारी कोशिश है, और हमारी भरपूर यही कोशिश है कि हम एक अच्छी और साफ सुथरी और सफल फिल्म बनाएं जो दर्शकों को पसंद है। जी जी, कहानी वानी की बात करें तो कहाँ तक कहानी, क्या क्या कहानी है और कहाँ कहाँ शूट करने वाले हैं? शूट जैसे कि बॉम्बे में कुछ दिन होगा और बाकी गुजरात में करेंगे राजवंत पैलेस में, और 3 दिसंबर से 25 दिसंबर 30 दिसंबर तक जो भी जाए टाइम उसमें हम पूरी फिल्म कंप्लीट करेंगे। भाई जय प्रोड्यूसर मेगा